कोविड को लेकर देश में आने वाले 40 दिन अहम। विशेषज्ञों के मुताबिक जनवरी में और तेजी से बढ़ सकते हैं कोरोना केसेस। यूपी में नए साल से पहले पुलिस की कार्रवाई, लखनऊ की सड़कों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया, ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों की भी जांच। आगरा में ताजमहल देखने आया विदेशी पर्यटक कोरोना संक्रमित मिला, पुलिस की मदद से की जा रही है तलाश। दिल्ली समेत उत्तर भारत में लगातार बढ़ रही है ठंड, मौसम विभाग की चेतावनी, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में 1 से 4 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। दिल्ली वालों को अगले 3 दिन तक ठंड से मिल सकती है राहत, 2 और 3 जनवरी को दिल्ली में चल सकती है शीतलहर। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल जाकर मां हीराबेन से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हीराबा की तबीयत में सुधार, राहुल प्रियंका ने जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। पीएम की मां की सेहत के लिए देश के अलग अलग शहरों में हुई प्रार्थना, वाराणसी में महामृत्युंजय जाप, गुजरात के महसाणा के हाटकेश्वर मंदिर में भी पूजा। जम्मू कश्मीर में आतंक पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिए निर्देश, घाटी में विकास कार्यों की भी समीक्षा की। महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर फिर हमला, बोली जम्मू में बढ़ता आतंकवाद सरकार की विफलता का सबसे बड़ा नतीजा है। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए मास्क पहन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, सदन में दिखाने के लिए लगाते हैं मास्क। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन, 6 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट, हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण किया था रद्द। नेल्लौर में चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में मची भगदड़, 7 लोगों की मौत, चंद्रबाबू नायडू ने मौत पर जताया दुख, 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। जेल से रिहा होने के बाद अनिल देशमुख का स्वागत, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं की बारिश की, वसूली के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बीजेपी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा हमने लोकतंत्र बनाया, हमारी वजह से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी। तुनिशा सुसाइड केस में आरोपी शिजान की 2 दिन बढ़ी पुलिस रिमांड, पुलिस ने कोर्ट में कहा तुनिशा के सुसाइड वाले दिन शिजान की एक लड़की से करीब 1.5 घंटे हुई बात। मोहन भागवत ने दी मांसाहार नहीं खाने की सलाह, कहा मांसाहार बंद होगा तो कत्ल करने वाला जो मामले हैं वो भी अपने आप बंद हो जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे में चलती कार में महिला के साथ गैंगरेप, नोएडा से शेयरिंग टैक्सी लेकर फिरोजाबाद जा रही थी महिला, गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार। बांग्लादेश में शुरू हुई पहली मेट्रो सेवा, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिखाई हरी झंडी। अमेरिका में बर्फीले तूफान से अब तक करीब 60 लोगों की मौत, बफलो शहर में अब बर्फ हटाने का काम जारी, अभी भी ड्राइविंग पर लगा है प्रतिबंध। अमेरिका में लोगों की मदद कर रही है पुलिस, बर्फीले तूफान के दौरान फंसे वाहनों को निकालते दिखे पुलिस वाले। अमेरिका के एरिजोना में बड़ा हादसा, जमी हुई झील में गिरने से भारतीय मूल के 3 लोगों की मौत, जमी झील पर घूम रहे थे 3 लोग। बर्फीले तूफान में जमा कनाडा का ओंटारियो, नियाग्रा में खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी का ऐलान। फिलीपींस में बाढ़ की वजह से 25 लोगों की मौत, 26 लोग अब भी लापता, बाढ़ की वजह से 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। चीन के हैनान में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, पुल पर टकराई 200 से ज्यादा गाड़ियां। हांगकांग ने यात्रियों के लिए दी कोविड नियमों में छूट, वैक्सीन पास, कोविड 19 टेस्ट को रद्द किया, मास्क लगाना अभी भी जरूरी।